माय यूट्यूब चैनल अनवीट टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राइडर हब के टेस्ट के बारे में, और राइडर हब का टेस्ट किस तरह से जो पास करना है, कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना बताऊंगी। इस वीडियो में आपको टेस्ट भी पास करके दिखाऊंगी, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर राइडर हब्स का टेस्ट देना है तो आप किस तरह से तैयारी करके जो है ना वो टेस्ट पास कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा, बात हम करने जा रहे हैं जो राइडर हब्स का, लेकिन थोड़ा हम राइडर हब को एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत बिगनर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हम लोग राइडर हब्स को देख लेते हैं। राइडर हब्स क्या चीज़ है? राइडर हब क्या है कि फ्रीलांस राइटिंग जॉब है। तो यहाँ पे आपने कंटेंट राइटिंग करनी होती है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि आपने किस तरह से राइडर हब पे अकाउंट जो है ना वो क्रिएट करना है, और ये कितना आपको पे करते हैं, और इनका पेमेंट का मेथड क्या है, वो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने यहाँ पे काम करना है राइडर हब पे, तो आपने जो है ना इसको स्टार्ट किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको काम करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। अब बहुत ज्यादा व्यूअर्स ने पूछा था कि हमें टाइपिंग क्या करना है, ये बताया ना। मैं आपको बताती हूँ, जो आपने टाइपिंग करना है ना, आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं। जब आपकी अप्रूवल हो जाती है ना, अप्रूवल होने के बाद फिर आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। आपने जैसे क्या करना होता है, ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे लिमिटेड पे करते हैं और राइडर पे करते हैं, तो आपने क्या करना होता है, ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। अब उसमें जो है टाइपिंग वर्क क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको टास्क देता है करने के लिए कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है। लाइक अगर आपने वो रखा हुआ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रखा हुआ तो आपको सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आएगा। लेकिन सम टाइम होता है क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरा स्टैट का ये सारा है प्रोजेक्ट है, मुझे इतने पेज का लिख के दो, मैं इतने $6, $8, $10, $15 जो है ना मैं आपको पे करूंगा या पे करूंगी। तो वो जो उनका प्रोजेक्ट होगा स्टैट्स का या एसे राइटिंग का या प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो आपने क्या करना है, उसको टाइप करके देना है, और टाइप करके दे के उसको जो है आपने प्रोजेक्ट सेंड करना है वर्ड में या फिर पीडीएफ में। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस टेस्ट डेमोंस्ट्रेटिव या एडवांस लेवल, अगर आपको इस वेबसाइट पे असेस चाहिए तो आपको जो है वो एक इंग्लिश का जो टेस्ट है ना वो पास करना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश का टेस्ट जो है ना वो पास कर लेंगे ना, उसके बाद जो है ना आपको एक शॉर्ट असाइनमेंट होगी। वो शॉर्ट असाइनमेंट को क्या करो ना, आपको राइटर करने का। शॉर्ट असाइनमेंट में क्या होता है कि ये जो है राइटिंग स्किल, ये राइटर हब्स वाले आपको कोई भी एक टॉपिक दे देते हैं, कुछ भी, चाहे वो आपकी निश रिलेटेड हो या ना हो, तो वो जो टॉपिक होता है वो आपने उनको क्या वर्ड में ना टाइप करके ना सेंड करना होता है। और इसी तरह जब आपके दोनों टेस्ट वो चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हैं यहाँ पे काम करने के लिए, जब आप एलिजिबल होते हैं टेस्ट पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आपकी स्टार्ट राइटिंग एंड अर्निंग जो है ना वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था कि भाई यहाँ पे टाइप क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप ऑफ पेपर, आर्टिकल क्रिटिक्स, टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस, हर्ट चिल्ड्रन टू, और एडिटोरियल, मीडिया थ्योरी, इस तरह के जरिए पता टॉपिक है और टाइप उन्होंने बताया और टॉपिक बताया, मीडिया थ्योरी के बारे में आपने लिखना है। तो 110 जो है वो आपको डॉलर पे किए जाएंगे। तो ये टास्क होता है। बहुत ज्यादा लोगों ने पूछा था कि इसमें करना क्या होता है, तो इसमें आपने ये प्रोजेक्ट होते हैं लाइक जिस तरह मीडिया थ्योरी है, उसके ऊपर आपने लिख कर देना होता है ये क्लाइंट बताया कितने वर्ड्स का। उसके बाद जो है वो लोकल गुड्स प्रमोशन, ये भी आपको क्लाइंट ने बताया कि मेरा टॉपिक ये है, मुझे इससे रिलेटेड चीजें लिख कर दो, ठीक है। तो इसी तरह से आपने टाइपिंग करके अपने क्लाइंट को काम सेंड करना होता है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं जी टेस्ट की तरफ। लेकिन टेस्ट पास करने से पहले थोड़ी मैं आपको गाइडलाइन देना चाहती हूँ। अब देखिए, अब जैसे बहुत फ्रीलांसिंग वेबसाइट है लाइक जिस तरह लिविंगस्टन है, राइडर बे है और राइटिंग क्रीक है, तो वहां पे भी आपने टेस्ट जो है वो पास करना होता है। लेकिन जो राइडर हब का टेस्ट होता है वो डिफरेंट, जो वेबसाइट फ्रीलांसिंग उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो किन सेंस डिफरेंट होता है कि जिस तरह एक राइडर बे पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है राइडर बे पे, कि आपने इस पैराग्राफ पहले आपसे वो राइडर बे वाले कहते हैं सारा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ने के बाद आप उन्हें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा सिमिलर राइडर बे की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, वो पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से रीड करना होता है, और उसी पैराग्राफ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो वोकैबुलरी होती है और ग्रामर रिलेटेड होता है। तो मैंने कहा टेस्ट पास करने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं और आप किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। अगर तो आप जो है पैराग्राफ को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो आप उसमें से आंसर कर देते हैं। सेकेंड टर्न आती है वोकैबुलरी एंड ग्रामर रिलेटेड की। तो अब उसका मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि आप जो है वोकैबुलरी का ये करें कि अगर आप लैपटॉप पर टेस्ट दे रहे हैं तो आप मोबाइल हाथ में पकड़े, और जैसे कोई वोकैबुलरी, ज्यादातर वोकैबुलरी के आपसे स्पेलिंग पूछे जाते हैं, तो आप जो है फौरन से ना वो उसको चेकआउट कर ले मोबाइल से कि ये वोकैबुलरी है, तो उसको टाइप करके फौरन उसका आंसर जो है ना क्लिक कर दिया। सेकेंड जो है वो ग्रामर रिलेटेड है। तो ग्रामर रिलेटेड में जो है वो आपसे क्या पूछा जाता है, ग्रामर से रिलेटेड पूछा जाता है,
यूज ऑफ आर्टिकल्स पूछा जाता है, कुड शुड से रिलेटेड पूछा जाता है, इज आर एम से रिलेटेड पूछा जाता है, ग्रामर से रिलेटेड। तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया हुआ था कि आप कोशिश करें कि ब्रेनरी से ना वो टेस्ट को पास करने की ट्राई करें। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ब्रेनरी से आंसर ठीक नहीं होता। अगर तो ब्रेनरी से आप आंसर नहीं ठीक होता, दो तीन और वेबसाइट से देख के आंसर जो है ना वो कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया हुआ है कि आपने ग्रामरली एक ऐप है, ये इसको आपने इंस्टॉल करना है अपने गूगल क्रोम में। जब आप गूगल क्रोम में इसको जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसका मैंने आपको सोल्यूशन बताया हुआ है कि आप जो है वो उस पर जाएं गूगल ट्रांसलेटर पे, लाइक जिसे मैं भी आपको करके ही दिखा देती हूँ। गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर पे मूव ऑन किया तो यहाँ पे जो है आपने जो है जो भी आपका जो होगा ना एमसीक्यूज आपने उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। और जब आपका यहाँ पे ग्रामरली इंस्टॉल होगा ना, तो वो ग्रामरली आपको खुद बता देगा कि कौन सी मिस्टेक है और आपको यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसी तरह जो है ना, मतलब बाकी लोग भी इसी तरह टेस्ट देते हैं, या तो ब्रेनली का इस्तेमाल करते हैं या ग्रामरली का टेस्ट जो है ना यूज करते हैं। तो इस तरह से वो टेस्ट क्या करते हैं, पास करते हैं। तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया कि आपको ज्यादातर पैराग्राफ पूछा जाता है, पैराग्राफ से बाद जो है वो आपसे वोकैबुलरी पूछे, वोकैबुलरी का सोल्यूशन बता दिया। आप ग्रामर से रिलेटेड जो है ना वो आप ग्रामरली की जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। उसको इंस्टॉल कर लें कि जो भी एमसीक्यूज वहां पे कॉपी करके यहां पे आपने पेस्ट करके उसका आंसर जो है ना आपको पता चल सकता है। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ, रेडर हब्स के।